आखिर क्यों हुआ है हार्दिक पांड्या और नताशा स्टैनकोविक का डिवोर्स? क्या हार्दिक पांड्या का लाइफस्टाइल बनी है एक बड़ी वजह? क्यों अलग हुए हैं हार्दिक पांड्या और नताशा स्टैनकोविक? वेल, 18 जुलाई 2024 को हार्दिक पांड्या और नताशा स्टैनकोविक ने अपना सेपरेशन किया अनाउंस ऑन सोशल मीडिया, और वहीं उन दिनों नताशा स्टैनकोविक अपने सन अगस्त्या को लेकर चली गई सर्बिया। तो वहीं तब से नेटिजन्स लगा रहे हैं अलग अलग अंदाजे कि आखिर ये क्यूट कपल क्यों हुआ अलग, और अब जूम ने पता लगा लिया है इनका डिवोर्स रीजन। वेल, जूम को एक्सक्लूसिव सूत्रों से पता चला है हार्दिक और नताशा का डिवोर्स रीजन। Well, a source close to the couple tells us that Hardik's larger-than-life personality and his love for living life king-size started becoming a bit overwhelming for Natasha. हालांकि नताशा भी एक स्ट्रॉन्ग और इंडिपेंडेंट वुमन, बट हार्दिक पांड्या के हाई एनर्जी लाइफस्टाइल के साथ नताशा नहीं कर पा रही थी एडजस्ट। वेल, जूम को एक्सक्लूसिव सोर्सेस ने ये भी बताया, ही वाज टू फ्लैम्बॉयंट फॉर हर, टू फुल ऑफ हिमसेल्फ, नताशा कुड नॉट हैंडल इट एनीमोर, शी रियलाइज्ड दैट देयर वाज अ मेजर गैप बिटवीन हाउ दे वर एज पीपल, शी ट्राइड टू मैच इट अप टू हिम बट इट मेड हर फील अनकंफर्टेबल, दिस वाज अ नेवर एंडिंग प्रोसेस सो इट बिकेम टायरिंग आफ्टर अ व्हाइल, नताशा वाज नॉट एबल टू कीप पेस, हेंस शी डिसाइडेड टू टेक अ स्टेप बैक, शी मल्ड over it but her decision became firm when he did not change. It was a very painful decision by Natasha but it did not come in one day or one week. It was a slow but gradual wound that kept hurting her. Well, Hardik's love for the limelight and his social butterfly ways clashed with Natasha's more grounded and private nature. Over time, these differences created a rift that could not be bridged. Well, जहां हार्दिक और नताशा के डिवोर्स के बाद कई लोगों ने नताशा को किया था ब्लेम, तो वहीं अब पिक्चर कुछ और ही सामने आ रही है। Well, ये देखकर नेटिजन्स भी अंदाजा लगा रहे हैं कि शायद नताशा ने अपनी शादी को बचाने की काफी कोशिश की थी। और तो और, हार्दिक और नताशा हैव बीन वेरी डिग्निफाइड अबाउट द सिचुएशन, और दोनों अब को पेरेंट कर रहे हैं सन अगस्त्या को। वेल, आपको बता दें, कुछ दिन पहले ऐसी भी रिपोर्ट्स आई थी कि शायद हार्दिक पांड्या कर रहे हैं जैस्मिन वालिया को डेट, जब दोनों ने अलग अलग कुछ पिक्चर्स पोस्ट की थी ऑन सोशल मीडिया और नेटिजन्स ने देखी दोनों पिक्चर्स में लोकेशन की सिमिलैरिटी और ये अंदाजा लगाया कि दोनों साथ में कर रहे हैं हॉलीडे। वेल, जो भी हो, हार्दिक और नताशा के फैंस उनके सेपरेशन के बाद से हैं काफी दुखी। वेल, आपकी इस बारे में क्या राय है? डू लेट अस नो इन द कमेंट सेक्शन।